हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच एक और बड़ी खबर विकास के पास। यह बिल्कुल एक बड़ी खबर आ रही है कुमकुम में। ये बड़ी खबर है कलयुग की अनूठी प्रथा। राम रावण की सेना के बीच छिड़ा गोबर के उपलों से घमासान। देखिए पूरी रिपोर्ट एक मिनट में। ये मारा, ये फेंका और ये एक और जलता हुआ, ये खींचा एक और यह बचाने आया और ये भी गिरा धड़ाम। तस्वीरों में ना तो कोई लड़ाई हो रही है और ना ही झगड़ा और ना ही कोई विवाद, बल्कि यहाँ तो सालों से चली आ रही रावण दहन की परंपरा के साथ दशहरा मनाया जा रहा है। कपड़ा फाड़ एक दूसरे पर चढ़ते, जान की बाजी लगाते, एक दूसरे पर चलती हुई आग के उपले फेंकते इन लोगों को देखिए। दरअसल ये मध्य प्रदेश मंदसौर जिले की दशहरा आयोजन की तस्वीरें हैं, जहां हर साल कुछ इसी तरह दशहरा मनाते हैं। यहां रावण के वध की अनूठी परंपरा है, जिसमें दो गुटों में गांव के लोग बटकर आपस में इस तरह गोबर के जलते हुए उपलों को एक दूसरे पर फेंकते हैं। ऊपर मौजूद ये लोग रावण की सेना के, जो रावण के पुतले तक आने से नीचे खड़ी राम की सेना को रोकते हैं और आखिर में रावण की नाक पर मुक्का मार युद्ध जीत लिया जाता है। ये पूरी परंपरा सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है, आप इसको घर पर दोहराने की कोशिश न करें।